जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों अभी हम छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा का परीक्षा हॉल का मूल मंत्र जानेंगे कि कैसे हम परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, एक सही डायरेक्शन में हम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कैसे पेपर दे सकते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती बहुत उथल पुथल और बहुत डिले होते होते ये पेपर पूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो संघर्ष भी आप बहुत किए हैं तो उसका परिणाम भी एक पॉजिटिव आना चाहिए, अपने अंदर एक ऊर्जा जागृत करिए, है ना। आप मुझे पता है कि पूर्ण तैयारी तो नहीं हो पाया होगा क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस है और पेपर लगभग 300 अंकों का होने वाला है, ठीक है। आपको पता होगा, आपने सिलेबस पढ़ा होगा, ठीक है। तो परीक्षा हॉल में हम कैसे करें, जब प्रश्न पत्र मिलेगा तब अपने 2 घंटे को कैसे मैनेज करें, इस बारे में हम पूर्ण डिटेल और एक सकारात्मक चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत तक देखिए दोस्तों, जरूर आपको इससे फायदा होगा ही, उम्मीद है पूरा मुझे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं परीक्षा हॉल का मूल मंत्र और अंतिम प्रहार, ठीक है। आपको 29 जनवरी को अंतिम प्रहार करना है और आज हम आपको बता रहे हैं कैसे प्रहार करना है, ठीक है। क्योंकि सभी उम्मीदवार या अभ्यर्थी पूर्णतः तैयारी नहीं कर पाए हैं, सिर्फ 5-10% लोग ही कोचिंग के सहारे एक अच्छा बिल्डअप किए हैं, लेकिन अधिकतर जो कैंडिडेट हैं वो पूर्णतः तैयारी नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, परीक्षा हॉल में हमारा प्रश्न पत्र सबसे पहले कितने अंक आ रहा है उसको चर्चा करते हैं। तो प्रश्न पत्र कितना अंक का आएगा, कुल अंक, कुल प्रश्न पत्र में कुल अंक कितना है, तो 300 है, ठीक है। कितना है, 300 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न टोटल कितना होगा, तो प्रश्न होगा 100, प्रश्न कितना होगा 100, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक है, आपको पता होगा। सिलेबस नहीं देखे हैं तो मेरे लिंक में ही नीचे वीडियो है, उसको देख लीजिएगा कि इसका सिलेबस क्या है। तो प्रश्न पत्र कुल अंक 300 अंक है और टोटल प्रश्न है 100। अब इसको हमें कितने घंटे में सॉल्व करना है, 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में। दोस्तों सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा लेके ही परीक्षा हॉल में घुसना है। तैयारी नहीं हुआ है कोई बात नहीं, जितना आपने पढ़ा है आपके अंदर जज्बा है, ठीक है, उस जज्बे के सहारे आप एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ परीक्षा हॉल में एंटर करेंगे, ना कि मेरा तैयारी नहीं हो पाया है इस दृष्टिकोण से नहीं करेंगे, पूरा तैयारी हुआ है, ठीक है। तो ये 2 घंटा हमको मिलेगा, तो सबसे पहले हमें ओएमआर शीट को बहुत ही केयरफुली ध्यान से भरना है सबसे पहले, ठीक है। तो ओएमआर शीट को फुलफिल करना, ठीक है। 15 मिनट इसके लिए आपको समय मिलेगा, ठीक, 15 मिनट में आपको ये ओएमआर शीट फुलफिल करना है अच्छे से, क्योंकि इसके बगैर आगे का मूल्यांकन नहीं हो पाता है। तो परीक्षा हॉल में आपके पास कितना घंटा है, 2 घंटा। तो इसमें आप पहले से सोच के जाओ कि किस सेक्शन हमारा मजबूत है उसको बनाए, कहीं पर भी प्रश्न मिल गया और उसको बनाना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। आपको प्रश्न पत्र मिल गया, इंडिया का जीएस मिल गया, गणित मिल गया, चलो बनाते हैं यहीं से, बिल्कुल गलती मत करना, ठीक है, बिल्कुल गलती नहीं करना है वैसा वाला। आपको जैसे ही प्रश्न पत्र मिलता है उसके बाद अपने अपने मन पसंदीदा सेक्शन को चुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेरे ख्याल से बनाइए छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, ठीक है, सामान्य अध्ययन को सबसे पहले आप बनाइए और इससे लगभग 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 75 अंक इसमें से पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप इसी को देखिए, है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ से आप रिलेटेड हैं और छत्तीसगढ़ आपसे बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
किसी चीज को नहीं देखना है आपको, डायरेक्ट इसको देखना है, ये छत्तीसगढ़ अध्ययन वाले पोर्शन को ही जाके डायरेक्ट सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा अपना सेक्शन है हिंदी का। हिंदी में दोस्तों आप सभी तो माध्यमिक स्कूल से प्राइमरी से पढ़ते आ रहे हैं, उसका ग्रामर आपसे पूछा जाएगा, तो कोई हार्ड चीज नहीं है, बस थोड़ा सा आपका अंदर अगर अवेयरनेस है तो आपका जो हिंदी के प्रश्न है लगभग आपका 30 अंक का ये आपका बनेगा, ठीक है। कितना अंक? 30 अंक हिंदी, बहुत इधर इधर देखना ही नहीं है आपको, ठीक है। सिर्फ पहला सामान्य अध्ययन, फिर हिंदी में आना है डायरेक्टली, ये है मूल मंत्र, ठीक है। आपको कहीं से भी परीक्षा पत्र हल नहीं, प्रश्न पत्र हल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला है कंप्यूटर। अभी आप किसी चीज को मत देखिए ना, आपको सिर्फ जो बनेगा उसको देखिए, ठीक है। 5 × 15 तो ये 15 अंक का आएगा कंप्यूटर। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सागर एक साथ नहीं आएगा, है ना, एक साथ नहीं भरना है। तो ये छोटे छोटे सेक्शन जो है बहुत ही आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, और इससे अगर प्रश्न बन जाते हैं तो बहुत ही अच्छा बात है, और बनेगा ही बनेगा, चाहे आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, उसमें मैटर नहीं करता है। तो ये टॉपिक जो 3 टॉपिक बताया हूं, इसको सबसे पहले हल करना है, ठीक है। यही है परीक्षा हल का मूल मंत्र कि हमें कैसे पहले किसे हल करें। तो ये जो 3 से मैं बताया पाठ छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो अलग मैटर है, लेकिन आपका ये पोर्शन बनाने से आपको अब बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इधर उधर घुसने से आपका समय भी व्यर्थ नष्ट होगा, तो ये जो 3 चीजें हैं उसको आप सीखेंगे बनाएंगे, ठीक है। अगला है भारत का सामान्य अध्ययन, ठीक है। भारत का सामान्य अध्ययन जो सबसे बड़ा नंबर मेकिंग है, 105 अंक इसमें से पूछे जाएंगे, ठीक है। कितना अंक? 105 अंक इसमें आपका पूरा मार्क्स रहेगा। दोस्तों भारत का सामान्य अध्ययन में क्या है कि बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है, कि इतिहास से भी पूछा जाएगा, भूगोल से भी पूछा जाएगा, है ना, अर्थव्यवस्था से पूछा जाएगा, तो एक बड़ा सा चैप्टर होता है, तो इसको थोड़ा सा बाद में देखिएगा। इन 3 को हल करने के बाद 4 में आप इसमें घुसेंगे। ये लालच मत करना कि 105 नंबर इसमें है तो इसी को पहला बनाया जाए, बिल्कुल ऐसा गलती मत करना, इसको 4 नंबर पे आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका सब स्टूडेंट यही गलती करेंगे कि 105 नंबर वाले को पहले हल करें, लेकिन वैसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको ये छोटे छोटे अंकों को पकड़ना है, ठीक। इसके बाद आप बना सकते हैं मानसिक योग्यता, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है उसको बना सकते हैं, ठीक है। मानसिक योग्यता भी लगभग 30 अंक का आने वाला है। ये एक पोर्शन है दोस्तों जो समय भी लेगा आपका ना, मैं बिल्कुल 100% बता रहा हूं आपको, हल करते करते आपका समय कैसे खत्म होगा ये पता ही नहीं चलेगा, गारंटी देता हूं, ठीक है। पेपर दिलाने के बाद आके बताना कि आपको समय कम पड़ा कि नहीं पड़ा, गारंटी देता हूं समय कम पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और आजकल का जो समय होता है बहुत छोटा, जल्दी जल्दी बीत जाता है, तो विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। मानसिक के 30 अंक है दोस्तों, इसमें आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि कितने त्रिकोण है, या बोर्ड मास पूछा जा सकता है इसमें ना, बोर्ड मास की क्वेश्चन तो आते ही हैं। मेरा सीजी टेट में बोर्ड मास का एक वीडियो बना है, उसे जाकर देख सकते हैं बोर्ड मास समझने के लिए, ठीक है। 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, उसको हल करना और कैसे कैसे इसको करना, आप सभी को आता भी होगा, नहीं आता है तो एक बार देख लीजिएगा बोर्ड मास, ठीक है। इसमें पढ़ना जरूरी रहता है, ब्लड रिलेशन आ सकता है, बहुत सारे ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 5वां नंबर पे आप इसको देखेंगे, ठीक है, कहीं इधर उधर भटके उसके बाद आप लटक गए, 2 घंटे आपका कैसा पास होगा पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला है गणित, ठीक है।
गणित दोस्तों लगभग 30 अंक का पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, 30 अंक के गणित आपसे पूछे जाएंगे। गणित में बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यापम का पेपर है भाई, कोई वो कंजूसी नहीं करता, प्रश्न का लेवल गिरा दे, उसका लेवल व्यापम का लेवल ही अलग है, ठीक है। तो आपको हर जो टॉपिक है मैथ्स का वो क्लियर होना चाहिए, तब आपसे बन पाएगा, नहीं तो मैथ्स को तो आप छोड़ ही दीजिए, है ना। अगर आप मैथ्स कमजोर हैं तो इसको छोड़ ही दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, है ना, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन लेवल है वो तो अलग ही लेवल का रहता है, समझ रहे होंगे। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो बन जाएंगे, चाहे वो संख्याओं से हो, वर्ग से हो, भिन्न से हो, अगर आपको भिन्न आता है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, बड़ा भिन्न, छोटा भिन्न, फ्रैक्शंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, परसेंटेज है, रेशियो है, अनुपात है, प्रतिशत है, सबसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। गणित में आपका ज्यादा प्रश्न नहीं है, 10 प्रश्न है, इसको नहीं भी बनाते हैं तो भी चलेगा, ठीक है, 30 अंक का है। अगला है सातवां इंग्लिश, अंग्रेजी में से आपका 5 प्रश्न पूछा जाएगा, कितना प्रश्न, 5 प्रश्न पूछा जाएगा, 15 अंक का, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं बहुत मायने रखता है परीक्षा हॉल में, ठीक है, आपको हल्का लग रहा होगा लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हमें सबसे पहले किसको बनाना है, ये आपका जो मेंटेलिटी है उसको दर्शाता है कि हर आदमी इसको पकड़ेगा, सामान्य अध्ययन 105 नंबर अधिक है इसी बनाते हैं, ऐसा गलती मत करिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन आप नहीं पढ़े हो फिर भी बनेगा, ठीक है, इसके लिए कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, हिंदी आप माध्यमिक कक्षा से पढ़ रहे हैं बिल्कुल बनेगा, ठीक है। कंप्यूटर भी आजकल नॉलेज सबको है, कीबोर्ड, है ना, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रिंटर के बारे में पूछा जा सकता है, गूगल क्रोम के बारे में पूछा जा सकता है, एंटीवायरस पूछा जाता है, सबको नॉलेज होगा, ठीक है। कंप्यूटर भारत के सामान्य अध्ययन में आपका डीपली स्टडी होना चाहिए, ठीक है, आप एकदम हर एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, तब आपका जो भारत के सामान्य अध्ययन है वो क्लियर होता है, बनता है प्रश्न। अगला है मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता आप सबका लगभग 10 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन आराम से बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इसमें बोर्ड मास्टर आएगा, त्रिभुज का गिनना आएगा, ठीक है, ब्लड रिलेशन आ सकता है, तो ये बनेगा ही बनेगा। गणित में आपका एक बेसिक क्लियर होगा तो आपका सब गणित बनेगा, ठीक है। इंग्लिश में भी थोड़ा सा कठिन टाइप का प्रश्न आएगा जिसमें वॉइस चेंज के बारे में आ सकता है, सेंटेंस आ सकता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा परीक्षा हॉल का मूल मंत्र, और इस फार्मूले को आप अपनाते हैं तो बिल्कुल ही मैं बोल सकता हूं कि आपका एक पेपर जो है अच्छी दिशा की ओर जाएगा और आप एक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दिशा एक होना चाहिए परीक्षा दिलाने का और इस 2 घंटे को मैनेज करने का, अभी भी बोल रहा हूं मैं आपको समय कम पड़ेगा, ठीक है, आपको पेपर दिलाने के बाद कमेंट कर लेना लेकिन समय कम पड़ेगा, ठीक है, 2 घंटा है काफी है 100 क्वेश्चन के लिए, बट आप जो समय है वो कम पड़ेगा, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी आप इस स्क्रीनशॉट कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे आपको एक नई जानकारी और आगामी छत्तीसगढ़ पुलिस में भी 1100 पोस्ट पर भर्ती होने वाला है उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, बेल आइकन और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। थैंक यू।